दोस्तों, यह है पटना के बोरिंग रोड चौराहे का दुर्गा पूजा समिति का पंडाल। इस बार बोरिंग रोड चौराहे पर कोलकाता का मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल महल देखने को मिलेगा। इसे पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने बनाया है। इसे देखने के लिए लगभग 10 से 15 लाख लोग आते हैं यहाँ पर। जिसे 3000 वर्ग फीट में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 60 फीट और चौड़ाई 50 फीट तक है। ये देखने में बेहद ही खूबसूरत है। दोस्तों, यह है पटना का डाक बंगला चौराहा। इस बार यहाँ आपको इंडोनेशिया का ब्रह्मानंद मंदिर देखने को मिलेगा। लगभग 50 लाख की बजट से बनाई गई है ये पंडाल और ये लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, यह है शिवारा द्वारपुर दुर्गा पूजा पंडाल में इस साल तमिलनाडु का खूबसूरत मीनाक्षी मंदिर बनाया गया है, जो पटना रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन बनाया गया है इसे और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में भी। यह है पटना का तीरमुहानी का दुर्गा पूजा पंडाल, जो स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस पंडाल के निर्माता रणधीर कुमार सिंह जी हैं। ये काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, इसे बेहद खूबसूरत है देखने में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखता है ये। यह है पटना का आनंदपुरी हिमगिरी चौराहे का दुर्गा पूजा पंडाल, जहां पर एक कोयम्बतूर स्थित आदि योगी का विशाल प्रतिरूप बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये प्रतिरूप यानी कि मूर्ति कितनी विशाल है, जिसे पंडाल के रूप में बनाया गया है और ये देखने लायक है। यह है मनोरंजन पूजा समिति का दुर्गा पंडाल, जहां वुहान का बुद्धा मंदिर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कारीगरी की गई है बुद्धा मंदिर बनाने के लिए। काफ़ी खूबसूरत और बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है ये और देखने लायक है। और दोस्तों, ये है युवा एकता मंच राजेंद्र नगर बम स्थान। इस बार यहाँ कैलाश पर्वत का नज़ारा देखने को मिलेगा, जो स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी विस्तारित बनाया गया है इसे। ये कैलाश पर्वत का रूप दिया गया है एक पंडाल के रूप में और वाकई ये देखने लायक है। दोस्तों, ये है पटना का एसके पुरी पूजा समिति का दुर्गा पंडाल, जो 60 फीट ऊंचा और 50 फीट चौड़ा है। यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन प्रतिवर्ष धूमधाम से कराया जाता है। इस वर्ष यहाँ इस्कॉन मंदिर का प्रतिरूप बनाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं, ये भी काफी सुंदर दिखता है। और दोस्तों, अंत में यह है पटना का कदम कुआं के पास का डोमन भगत लेन दुर्गा पूजा पंडाल। इस वर्ष डोमन भगत लेन में उज्जैन के महाकाल मंदिर का प्रतिरूप बनाया गया है। इस पूजा पंडाल में घूमने के लिए लगभग 20 लाख लोग यहां पहुंचते हैं। ये काफ़ी ही भव्य है और सुंदर है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल दुनियादारी एक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। अब तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।